नमस्कार दोस्तों, सुजोक थेरेपी की इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैं अमित जैन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुजोक थेरेपी के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सुजोक थेरेपी क्या होती है। सुजोक थेरेपी को दो वर्ड में डिवाइड करते हैं, पहला हमारा सू और दूसरा हमारा जोक। सू यानी हमारा हाथ और जोक यानी हमारा पैर यानी हमारा फुट, यानी कि आप हाथ और अपने पैर से पूरी बॉडी का इलाज कर सकते हैं। हमारे हाथ में पूरी बॉडी हमारी रिफ्लेक्ट होती है और हम इसी हाथ के द्वारा अपनी बॉडी का डायग्नोस भी कर सकते हैं कि हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड है, और हम ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं कि किसी को गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है, जितनी भी हमारी बॉडी की प्रॉब्लम्स हैं उन सभी का ट्रीटमेंट हम हाथ से और अपने फुट से कर सकते हैं। इसके प्रोफेसर पार्क जे वू ने इस पर डेवलपमेंट किया था, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया था, जिन्होंने इसको देश विदेशों तक पूरी दुनिया में इसको फैलाया था। ये बहुत ही प्राचीन पुरानी टेक्निक है जिसके द्वारा आज के टाइम में हम लोगों का इलाज करते हैं। आप ये इस थेरेपी से ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, अपना भी कर सकते हैं और दूसरों का इलाज भी कर सकते हैं। सुजोक थेरेपी से आप अपने सारे जोड़ों के दर्द के लिए ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सारी बॉडी के ऑर्गन्स के लिए प्रॉब्लम है तो कर सकते हैं, सिस्टम रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, तो उसकी प्रॉब्लम्स के लिए भी आप ट्रीटमेंट सुजोक थेरेपी के माध्यम से कर सकते हैं। सुजोक थेरेपी में एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं, बिंदु होते हैं, जिनके द्वारा पूरी बॉडी का इलाज सिर्फ सुजोक थेरेपी के माध्यम से किया जाता है। जो हमारी बॉडी में चैनल्स चल रहे होते हैं, जो हमारी बॉडी में एनर्जी रन कर रही होती है, ये उस एनर्जी पर काम करता है और हमें हमारी बॉडी की हीलिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करके हमें स्वस्थ बना। हाथ में हमारी पूरी बॉडी रिफ्लेक्ट होती है, तो हाथ में हमारे ये सेंटर वाले दो हमारे पैर हैं। मैं इस तरीके से अपने पैरों पे खड़ा हूँ तो ये हमारे दोनों पैर हैं। पैर में हमारे तीन जॉइंट होते हैं, ये हमारा एंकल जॉइंट है, ये हमारा नी जॉइंट है और ये हमारा हिप जॉइंट है, और ये पूरा यहाँ पे इस तरीके से कवर होता है, ये भी घुटने का भी और ये हमारा हिप का भी। तो ये हिप जॉइंट, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट का फ्रंट पार्ट है और ये हमारे हिप जॉइंट, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट का बैक पार्ट है। नाखून की तरफ देखेंगे तो हमारा बैक पार्ट आता है और अगर आगे की तरफ देखते हैं तो हमारा ये फ्रंट पार्ट आता है। इस तरीके से हमारी बॉडी रिफ्लेक्ट होती है। तो ये हमारे दोनों पैर हैं। किसी को एंकल में पेन है तो हम यहाँ पर प्रेशर करेंगे, किसी को घुटने में दर्द है तो हम यहाँ पर प्रेशर करेंगे, और सबसे ज़्यादा जो पेन होता है वो इस एरिया में होता है, यानी घुटने के अंदर की तरफ होता है। इस ये एरिया हमारा घुटने के अंदर वाला आता है, सबसे ज़्यादा घुटने में पेन इसी एरिया में होता है, तो हम इसी एरिया पर प्रेशर करेंगे ताकि हमें घुटने में आराम मिल सके, और ये एरिया हमारा हिप का होता है। इस तरीके से जब हमारे हाथ में तीन जॉइंट है, ऐसे ही ये हमारा हाथ, इसमें हमारा रिस्ट जॉइंट हो गया, ये हमारा एल्बो जॉइंट हो गया और ये हमारा हो गया शोल्डर जॉइंट। तो हमारे हाथ में भी तीन जॉइंट होते हैं, ये हमारा नाखून की तरफ वाला हिस्सा आएगा और ये हमारा फ्रंट साइड का हिस्सा आएगा। तो हमारा रिस्ट जॉइंट, ये हमारा एल्बो जॉइंट और ये हमारा शोल्डर जॉइंट। तो तीन जॉइंट हमारे हाथ में हाथ वाले आ गए, पैर में पैर वाले तीनों जॉइंट आ गए। अब ये हमारी गर्दन है, ये हमारी गर्दन है, गर्दन का फ्रंट पार्ट, तो यहाँ पर फेस रिफ्लेक्ट होता है, पीछे हमारी गर्दन का बैक पार्ट यानी हमारी स्पाइन, गर्दन का सर्वाइकल एरिया यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है। ये हमारी बॉडी के ऑर्गन्स, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा भाग, तो इसमें हमारे लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, इंटेस्टाइंस हो गए, स्टमक हो गया, लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, तो सारे ऑर्गन्स हमारे यहाँ पर रिफ्लेक्ट होते हैं फ्रंट साइड में, और बैक साइड में हमारी स्पाइन और हमारे किडनी हमारे बैक साइड में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो इस तरीके से हम किसी को स्पाइन में कमर में दर्द है तो हम स्पाइन एरिया पर ही मसाज करेंगे और उस पॉइंट पर ही ट्रीटमेंट करेंगे। तो इस तरीके से सुजोक थेरेपी के माध्यम से तुरंत रिजल्ट जो हमें मिलता है इन पॉइंट पर प्रेशर करके भी हम कर सकते हैं। आप अपना इलाज भी कर सकते हैं और दूसरे लोगों को भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये थेरेपी आप सीख भी सकते हैं और दूसरे लोगों का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि हमें पॉइंट पर सिर्फ प्रेशर देना है। किसी को अगर कमर में दर्द है तो हमें कमर के पॉइंट पर प्रेशर देना है, तो उसका कोई नुकसान नहीं है, हमें उसका फ़ायदा ही मिलेगा, क्योंकि ये एज ए रिमोट कंट्रोल का काम करता है। ये पूरी बॉडी को रिमोट कंट्रोल की तरह कंट्रोल करेगा। लेकिन अगर पूरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हाथ की वजह से नहीं हो सकती, यानी कि रिमोट की वजह से पूरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, लेकिन अगर पूरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो हम हाथ से उसको ठीक जरूर कर सकते हैं। तो ये सुजोक थेरेपी में इस तरीके से आता है। तो आप ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं और अपने आपको लर्न भी करा सकते हैं ताकि आप और लोगों का ट्रीटमेंट कर सकें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नए अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। धन्यवाद।